नमस्ते, मैं आप सबकी वेल विशर सोमा पाठक आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। कौन से क्रिस्टल्स वाटर फ्रेंडली है, यानी कि प्रोसेसिंग करने से पहले, पहनने से पहले जब हम प्रोसेसिंग करते हैं उसे, उन क्रिस्टल्स को हम आराम से नमक के पानी में डुबो के रख सकते हैं नेगेटिविटी दूर करने का जो फर्स्ट प्रोसेस है। तो ये क्रिस्टल्स हैं क्लियर क्वार्ट्स, एमेथिस्ट, स्मोकी क्वार्ट्स, रोज क्वार्ट्स या पिंक क्वार्ट्स भी कहते हैं इसे, और सिट्रीन। नेक्स्ट है स्नो क्वार्ट्स, एजेट, एवेंचुरिन, जैस्पर, टाइगर्स आई। ये सारे क्रिस्टल्स वाटर फ्रेंडली है। यह वाटर फ्रेंडली होने के कारण इनको आप पहनने से पहले प्रोसेसिंग के टाइम आप विदाउट एनी हेजिटेशन आराम से रॉक सॉल्ट के पानी में रात भर भिगो के रखिए, ताकि इसमें जितने भी नेगेटिविटीज एक्यूमुलेटेड है वो निकल जाए। और बाकी जो प्रोसेस है, नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो तो मेरे वीडियो में पहले से बताया है, मैं डिस्क्रिप्शन में फिर से लिंक डाल दूंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी जो वाटर क्रिस्टल्स वाटर फ्रेंडली नहीं है, उनके नाम बताऊंगी आप लोगों को, ताकि आप लोगों को पता चले कि उनको बिना वाटर में डाल के कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, वो भी मैं बता दूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो क्रिस्टल्स पहनिए, क्रिस्टल्स को अपना फ्रेंड बनाइए, अपने लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आइए, क्योंकि इससे पहले न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन करवाइए और जान लीजिए कि आपको कौन सा क्रिस्टल पहनने से आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, आपके एज पर आप न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन अकॉर्डिंग टू योर इंडिविजुअल चार्ट, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। मैक्सिमम व्यूअर्स क्वेश्चन करते हैं मुझे व्हाट्सएप में कि हमें कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए, ये क्रिस्टल पहने या नहीं पहने, कौन सा क्रिस्टल हमारे लिए सही है। तो आप सबके लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि क्रिस्टल्स हमेशा अपने बर्थ डेट के हिसाब से न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन करवा के पहनिए, क्योंकि आप एक या दो क्रिस्टल्स आपके पसंद वाले पहनेंगे उससे आपको जो बेनिफिट मिलेगा उससे ज़्यादा बेटर होगा अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपके न्यूमरोस्कोप में या लोशु ग्रिड में जो भी क्रिस्टल्स, सॉरी, जो भी प्लैनेट्स नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं या जो भी नेगेटिविटी स्ट्रगल्स लेके आ रही है आपके लाइफ में, उनको आप प्रेडिक्शन के रेमेडी के हिसाब से पहने, और कंटिन्यूअसली आपको लाइफ लॉन्ग पहनना है इन ब्रेसलेट्स को, ताकि आपके लाइफ में बैलेंस बरकरार रहे। जिन प्लैनेटरी नेगेटिविटीज़ के वजह से आपको इतने दिनों तक, इतने सालों तक प्रॉब्लम झेलना पड़ा, वो सब बैलेंस हो जाएगा। ये तो कभी नहीं कह सकते हम कि 100% आप प्रॉब्लम फ्री हो जाएंगे, स्ट्रगल फ्री हो जाएंगे, क्योंकि सब कुछ ऊपर वाला होता है, सब कुछ डिवाइन के हाथों में होता है। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, और न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन करवा के अगर आप रेमेडीज फॉलो करेंगे तो आपके लाइफ में 40-50% पॉजिटिविटी अवश्य आएगी, आप खुद फील कर पाएंगे। बट फिर से मैं कहूंगी कि क्रिस्टल्स और बाकी रेमेडीज स्टार्ट करने के 3 से 6 महीने के अंदर आपको ये पता चलेगा आपको ये कितनी पॉजिटिविटी मिल रही है। 3 से 6 महीने टाइम लगता है क्रिस्टल्स को आपके ऑरा के साथ मैच करके आपके लाइफ में पॉजिटिविटी लाने के लिए, और आपके नेगेटिविटी को दूर करके आप में पॉजिटिव वाइब्स लाएंगे, आपके लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस लेके आने के लिए 3 से 6 महीना आपको पेशेंस रखना ही होगा। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि आपने ये 3 से 6 महीने तक आपने प्रोसेसिंग किया क्रिस्टल्स ब्रेसलेट्स को, मंत्रास वगैरह जो भी रेमेडीज़ मैं देती हूँ वो भी चैंट किया, सब कुछ किया, तब तक आपको पॉजिटिविटी फील होना स्टार्ट हुआ है। और जब भी आपके लाइफ में पॉजिटिविटी स्टार्ट हो गया और आप केयरलेस होना शुरू हो गए, आपने प्रोसेसिंग करना बंद कर दिया क्रिस्टल्स को और मंत्रास भी चैंट करना बंद कर दिया, तो फिर क्या हो? तो देखा जाएगा कि आपके लाइफ में ये रेमेडीज़ स्टार्ट करने से पहले भी जैसे प्रॉब्लम्स थे, वही प्रॉब्लम्स आपको फिर से फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी आपके लाइफ को चेंज करता है। सिर्फ आप जितने दिन, जितने समय तक ये रेमेडीज़ फॉलो करेंगे,
तब तक, क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ बाय बर्थ होता है और ये आपके लास्ट ब्रेथ तक सेम रहेगा। इसीलिए प्लैनेट्स के पोजीशन को सिर्फ बैलेंस करने के लिए रेमेडीज दिया जाता है, जिसको आप जब तक डेडिकेटेडली सिंसियरली फॉलो करेंगे तब तक आपके लाइफ में पॉजिटिविटी रहेगी। और आपने छोड़ दिया तो बस आपको फिर से वापस जाना पड़ेगा बैक टू पवेलियन, आपको पुराने नेगेटिविटीज फिर से फेस करना पड़ेगा। तो आप लोग न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन करवा के इस रेमेडीज को लाइफ लॉन्ग कर पाएंगे या नहीं, ये पहले सोच लीजिए। अपने विल पावर को बढ़ा लीजिए, फिर आप न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन करवा के रेमेडीज को फॉलो कीजिए, क्योंकि ऐसे बीच में छोड़ के फिर लोग कहते हैं कि हमारे लाइफ में कोई पॉजिटिविटी नहीं हो रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे नेगेटिव बातें स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले ही इसीलिए बताना चाहती हूँ, जब तक आप फॉलो करेंगे तब तक आपको पॉजिटिविटी मिलेगी लाइफ में, आपको सक्सेस, ग्रोथ, हर तरफ से पॉजिटिविटी ज़रूर मिलेगी। और अगर छोड़ देंगे तो आई कांट हेल्प। तो आज यहीं तक, शायद थोड़ा कड़क भाषा में बोल दिया, आई एम सो सॉरी, एंड यूनिवर्सल पावर ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।